आज के इस वीडियो में 24 मार्च मंगलवार की बड़ी खबरों का रुख करने वाले हैं, जहां पर आपको देश से जुड़ी आ रही तमाम बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं देश में आई बड़ी बीमारी की, साथ साथ आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री के नए दाव की और शाहीन बाग के खेल की, और साथ साथ आपको बताएंगे कि बजट सत्र किस प्रकार से कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस और रोज की बड़ी खबरें टुडे ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने को मिल सके। तो आपको बता दें इन दिनों आर्थिक तंगी भारत देश में जोरों पर है, जहां रुपया डॉलर के मुकाबले और नीचे गिरता गया है। 102 पैसे नीचे गिरकर अब एक डॉलर के मुकाबले रुपया 76.22 पर आ चुका है, और ये देश के लिए बड़ी बात है। और इससे साफ पता चल रहा है कि देश किस आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। इसी के साथ निवेशकों को भी लगातार झटकों पे झटके मिल रहे हैं, लगातार देश की इकोनॉमी और देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, और इसी वजह से ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में, और जब हम इस बीमारी से पूरी तरीके से निपट चुके होंगे, उसके बाद भी हमारा देश आर्थिक तंगी से जूझने वाला है, क्योंकि देश को अभी पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। और जब देश को इतनी जरूरत है, उसी समय देश की आर्थिक व्यवस्था लगभग गड़बड़ा गई है, और इसी वजह से देश में काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो आइए रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो आपको बता दें संसद का बजट सत्र कुछ दिनों के लिए रोक दिया, और ये कुछ दिन कितने दिनों के लिए होने वाले हैं अभी तक कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जब तक ये बीमारी हमारे देश में रहेगी तब तक ये बजट सत्र रुका हुआ रहेगा। तो आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, और ये स्थगित क्यों किया गया है इसके पीछे का कारण आपको पता है। आपको बता दें दरअसल 1 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक बजट सत्र चलने वाला था, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर में आपको बता दें मध्य प्रदेश की सियासत में उठापटक के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान अब शिवराज सिंह चौहान को सौंप दी गई है। शिवराज सिंह ने आज गवर्नर के मौजूदगी में चौथी बार शपथ ली और चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और आपको बता दें ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री के शपथ के दौरान कोई और नेता शामिल नहीं हुआ, और इसी वजह से क्योंकि आपको पता है कि देश में एक बीमारी ने पूरी तरह आतंक फैला रखा है, और इसी बीमारी से बचने के लिए ऐसा किया गया है। और आपको बता दें अभी तक मध्य प्रदेश की सियासत में एक खेल बाकी है, वो खेल है फ्लोर टेस्ट का। फ्लोर टेस्ट में शिवराज सिंह चौहान को यह साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है, राज्यपाल को दिखाना होगा कि उनके पास 107 या 104 से अधिक विधायक है। तो अगली बड़ी खबर में आपको बता दे शाहीन बाग में जो NTCA का प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने भी अब देश की गंभीरता को समझ लिया है। जहां एक और लखनऊ और मुंबई में पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन को रोक लिया गया है, तो वहीं शाहीन बाग के अंदर प्रदर्शन को अब चेंज कर दिया गया है। महिलाओं की रणनीति यह है कि पहले 5 महिलाएं प्रदर्शन करेगी, जब वो 5 महिलाएं घर चली जाएगी तो शेष 5 महिलाएं आकर प्रदर्शन करेगी, और ऐसे 5-5 करके इस महामारी को रोका जा सकता है और कम्युनिटी स्प्रेड से भी रोका जा सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं मौसम खबर की। तो आपको बता दें एक नया पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल रहा है, और इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर लद्दाख में बारिश हो सकती है, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर ओलावृष्टि भी हो सकती है। मैदानी इलाकों की अगर बात करी जाए तो फिलहाल ऐसी बारिश देखने को नहीं मिलने वाली है, लेकिन पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों के अंदर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, और मेघ गर्जना के साथ थोड़े बहुत ओले भी गिर सकते हैं। तो इस प्रकार से मौसम की बड़ी खबर आ रही है। वहीं आपको बता दें आयकर विभाग ने सरकार से कहा टैक्स जुड़े कामों के लिए 31 मार्च की समय सीमा को बढ़ाया जाए, यानी कि जो भी आयकर विभाग को लेकर अपडेट से, चाहे वो GST के अंदर हो या फिर नए टैक्स स्लैब में हो, या फिर जो पैन और आधार कार्ड के लिंक की बात हो, या फिर कोई भी अन्य बात है जो आयकर टैक्स से लेकर आ रही है, तो उनमें अब समय सीमा बढ़ाई जाएगी, और यह समय सीमा शायद तक अप्रैल तक बढ़ा दी जाए, क्योंकि आयकर विभाग ने केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि 31 मार्च की समय सीमा को
थोड़े दिनों के लिए स्थगित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो आइए रुक करते हैं कुछ सीरियस खबरों के। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स जारी की है। उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्री जरूरी है और वस्तुओं का उत्पादन जारी रखने को कहा इंडस्ट्रीज के मालिकों को। साथ ही उन्होंने कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो भी गांव है उनमें 10 की चीज अब 50 और 60 रुपए में देखने को मिल रही है, और इसी वजह से जो रोजमर्रा की जिंदगी बिताने के लिए कमाई करते हैं उनके लिए जिंदगी को बिताना मुश्किल हो रहा है। इन कुछ दिनों में काफी मुश्किल हो रही है उन्हें जिंदगी जीनी, और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी के लिए। कालाबाजारी के तहत अब जब दालें जो 100 रुपए किलो थी वो अभी 200-250 रुपए किलो कर दी गई है। ऐसे दुनिया कैसे चलेगी और ऐसे भारत कैसे चलेगा? ऐसे अगर चलता रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर लोग गरीबी रेखा से और नीचे जाएंगे और हमारी मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो चीन से आई महामारी ने पूरे देश में पैर पसार लिए और इसी वजह से पूरे देश को लगभग बंद कर दिया गया है। इस बंद का आप भी साथ दीजिए, जहां सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि हम इस बीमारी से कैसे न कैसे करके छुटकारा पा ले। डॉक्टर्स हमारी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन हमें भी घर में उपलब्ध रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जब तक घर के अंदर रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे। घर में रहिए, वीडियो देखते रहिए ताकि आपको न्यूज मिलती रहे। इससे ज्यादा आपको चाहिए ही क्या? सोशल मीडिया आज भी आपके पास है, इंटरनेट तो चालू ही है। जियो ने अपने प्लान को डबल कर दिया है, तो आइए जियो की न्यूज भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें, जियो BSNL और MTNL ने ये घोषणा कर दी है पहले से ही, जहां पर जियो ने 11, 21, 51 और 101 रुपए वाले रिचार्ज पैक पर डबल डेटा देने का वादा कर दिया है। और इसी वजह से जहां पर 400 MB डेटा मिल रहा था वहां पर 800 MB मिलेगा, जहां पर 1 GB वहां पर 2 GB, जहां पर 6 GB डेटा मिल रहा था वहां पर 12 GB डेटा मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, 251 रुपये वाले प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें यूजर को 51 दिन की वैधता के साथ 2 GB डेटा ही मिलता रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जियो ने अपडेट दिए। इसके साथ ही आपको बता दें, जियो गीगा फाइबर यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जियो दे रहा है बिल्कुल फ्री इन वर्क फ्रॉम होम के लिए 10 MBPS की स्पीड से, 10 MB/s की स्पीड वाला प्लान, जहां पर आपको मिलेगी एकदम फ्री सेवा कुछ दिनों के लिए। 10 MBPS की स्पीड बिल्कुल मुफ्त में है। देश में अब तक 500 मामले सामने आ चुके हैं। 500 मामलों में से ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं और ऐसी दवाओं से कर रहे हैं जो किसी और बीमारी की दवाएं हैं, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ टेस्टिंग के लिए कई नए सारे टूल्स लाए गए हैं जो सस्ते हैं, ताकि गरीब व्यक्ति भी टेस्टिंग को अफोर्ड कर पाए। तो इस प्रकार से आज दिन भर की बड़ी खबरें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।